पिछले 3.5-4 सालों से लोग घर से काम कर रहे हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। लोगों को अब ऐसी आदत लग गई है कि अब वो घर का आराम छोड़कर ऑफिस जाकर काम ही नहीं करना चाहते, पर जब कंपनी उनको काम पर बुला रही है तो वर्क फ्रॉम होम वाले एम्प्लॉयज बहाना बना रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी समस्या ये है कि इन एम्प्लॉयज को ऑफिस बुलाया कैसे जाए, और अगर बुला लिया जाए तो ऐसा क्या किया जाए कि एम्प्लॉयज का मन यहाँ लगा रहे। ऐसे में सामने आता है ये शब्द जिसे कहते हैं ऑफिस पीकॉकिंग। अब समझिए कि इस न्यूली फॉलो ट्रेंड का मतलब क्या है। इसका मतलब है प्रैक्टिस ऑफ जैजिंग अप द वर्कप्लेस विद स्टाइलिश डेकोर, ट्रेंडी फर्नीचर, वेल स्टॉक्ड पैंट्रीज एंड वेरियस अमेनिटीज, यानी कि ऑफिस का पूरा हुलिया ही बदल डालना। जैसे कि ऑफिस को और ब्राइट और जैजी बनाना, उसका पूरा का डिजाइन बदल डालना, फर्नीचर से लेके वर्कप्लेस तक सब कुछ स्टाइलिश और मॉडर्न कर देना। एम्प्लॉयज के लिए ओपन पैंट्रीज क्रिएट करना जिसमें आपको खाने पीने की बेटोक और फ्री सुविधा हो, और ऑफिस से जुड़ी उन सभी ट्रेडिशनल चीजों को बदल डालना जो अब तक ऑफिस में हुआ करती थी। सीधे शब्दों में कहें तो ऑफिस प्रीमाइसेस से लेकर पूरा का ऑफिस भी इतना हैपनिंग कर देना है कि एम्प्लॉयज को ये ना लगे कि भाई वही पुराने बोरिंग ऑफिस में बैठ गए हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑफिस को एकदम फॉरेन स्टाइल में बना देना है, और इसी बदलाव को बोलते हैं ऑफिस पीकॉकिंग। The practice of office peacocking is witnessing a resurgence in 2024. Employers अब काम करने की जगहों को revamp करने पर लगे हुए हैं, जिसके चलते plush sofa, cozy corners, natural lights, green areas पर ज़्यादा focus किया जा रहा है, ताकि workers के लिए positive atmosphere बनाया जा सके। अब employees को वापस बुलाने के लिए company को इतना effort तो करना ही पड़ेगा भाई। ये आपकी जेब पर थोड़ा भारी तो पड़ेगा, पर it does transform a typical corporate cubicle setting into a lively lounge style setting. मतलब ये कि ऑफिस देखकर एम्प्लॉयज को लगे कि वो ही टिपिकल ऑफिस में नहीं आए हैं, बल्कि किसी लाउंज या कैफे में बैठे हो। इसके साथ ही अगर ऑफिस में रिक्रिएशनल रूम्स हो तो और भी बढ़िया है, जहां ब्रेक के वक्त लोग जाकर कुछ खेल सके या कोई एक्टिविटी कर सके। ऑफिस पीकॉकिंग में ड्रेस कोड भी आ जाता है, जैसे कि फॉर्मल ड्रेस की जगह सिंपल और रिलैक्स्ड कपड़े रखना होगा। यहां तक कि थोड़ी देर आराम करने के लिए नैपिंग रूम्स भी बनाने पड़ेंगे, तब जाकर आपके एम्प्लॉयज ऑफिस में भी घर से ज्यादा आराम पाएंगे और दिल लगाकर काम भी कर सकेंगे। जहां तक पैसों की बात है तो अपने एम्प्लॉयज को वापस बुलाने के लिए थोड़ी जेब तो ढीली करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल इतने साल से जो ऑफिस वालों ने पैसे बचाए हैं वो कहीं तो यूटिलाइज होंगे ना। अब सोचिए इन 4 सालों में ऑफिस वालों ने कितना पैसा बचाया होगा। ऑफिस के बिजली पानी का किराया बचा रहा, क्लीनिंग स्टाफ की सैलरी बची नहीं, एडमिन की सैलरी बची, पैंट्री का सामान जैसे चाय कॉफी स्नैक्स के पैसे बचे, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज बंद होने के बाद पेट्रोल का पैसा बचा, ऑफिस की बिल्डिंग का किराया बचा, और वर्क फ्रॉम होम के बदले एक के बदले लोगों ने घर से 4-4 काम कर दिए। क्यों? क्योंकि रोड पर निकलकर जाम में फंसे रहने से अच्छा है कि 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर ले। और ऊपर से कई ऑफिस वालों ने अपना ऑफिस शेयरिंग बेसिस पर चलाना शुरू कर दिया। जैसे एक कंपनी एक शिफ्ट में काम करेगी, वहीं दूसरी कंपनी उसी ऑफिस में सेकंड शिफ्ट में काम करेगी। ऐसे में वर्क स्पेस का भरपूर इस्तेमाल किया गया, उसमें पैसे बचे सो अलग। ये सब करके एम्प्लॉयज को और कंपनी को ऐसी गंदी आदत लग गई है कि एम्प्लॉयज घर छोड़कर आना ही नहीं चाहते हैं और कंपनी वाले बुलाना नहीं चाहते। पर जैसे जैसे कोविड का खतरा टला, जीवन पूरी तरह से ट्रैक पर आया, तो कंपनी को फिर से डेकोरम मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ी। ऐसे में 4 सालों से घर पर बैठकर काम करने वाले एम्प्लॉयज आने को तैयार ही नहीं है। बल्कि रिसर्च में पाया गया कि 62% ऑफ द एम्प्लॉयज वुड टेक अ पे कट ऑफ 10% और मोर टू रिमेन हाइब्रिड। देख रहे हैं आप, ऐसे में ऑफिस पीकॉकिंग हैज बिकम द वर्कप्लेस ट्रेंड व्हिच इज गेनिंग मोमेंटम। हाउएवर, ऑफिस पीकॉकिंग की वजह से कुछ और ट्रेंड भी निकल कर सामने आए हैं, और वो है, पहला है कॉफी बैजिंग। इसमें एम्प्लॉयज थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाते हैं, थोड़ा सा काम किया, दिखावा किया कि ऑफिस आए हैं, कॉफी पी और घर निकल गए। दूसरा है शैडो पॉलिसी, यानी कि सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को ही वर्क फ्रॉम होम देना, जबकि बाकियों को ऑफिस में काम करवाना। ये सब कुछ ये दिखाता है कि पैंडेमिक ने लोगों के काम पर कितना असर डाला है। पैंडेमिक से पहले ऑफिस स्पेस कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता था कि ताकि मैक्सिमम लोग ऑफिस में फिट हो सके। नाउ विद द हाइब्रिड मॉडल दे नो दे डोंट नीड डेडिकेटेड डेस्क फॉर एवरी एम्प्लॉई एंड इट हैज अलाउड कंपनीज टू श्रिंक देयर ऑफिस इन अ फुटप्रिंट। खैर, ये बात तो सच है कि पैंडेमिक के बाद लोगों का नजरिया काफी बदल गया है, काम से लेकर काम करने के तरीके तक सब में भारी बदलाव आया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ऑफिस पीकॉकिंग विल हेल्प टू ल्योर बैक एम्प्लॉयज टू ऑफिस, और इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी? डू राइट टू अस एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।